स्वागत है पत्रिका न्यूज में, मैं हूँ चेतना। आज डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बच्ची का अपहरण कर रहे दो लोगों को भीड़ ने दबोचा। नौ घरों में लगी आग, 5.5 लाख का नुकसान। टायर फटने से मेटाडोर पर डी एक की मौत। हाईवे पार कर रहे वृद्ध को ट्रक ने कुचला, गंभीर। चलते स्कूल वाहन में भड़की आग, चालक ने कूद कर बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन रविवार को धूमधाम से मनाया गया। 12 बजते ही मंदिरों के साथ साथ घरों में भी उत्सव के साथ भगवान राम ने जन्म लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव पर शहर के मंदिरों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई। श्री राम मंदिर फालका बाजार में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें सुबह 8 बजे भगवान की अभिषेक पूजा पंचायत सदस्य राजेश मित्तल, श्याम लाल रामकृष्ण मित्तल द्वारा किया गया। दोपहर 12 बजे जन्म महोत्सव एवं श्रृंगार आरती की गई। शाम 5 बजे फूल बंगला और झांकी के दर्शन हुए। वहीं श्री साईं भक्त मंडल ट्रस्ट द्वारा सुबह मंगल स्थान के साथ 10 बजे सुंदरकांड का पाठ किया गया। हिंदू उत्सव आयोजन समिति मुरार द्वारा भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में मदन मोहन मंदिर से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में बच्चों द्वारा राम सीता सहित कई झांकियां निकाली गईं। वहीं घोड़े बग्घी बैंड बाजों के नगाड़े आकर्षण का केंद्र रहे। शहर में फैली पानी की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नगर निगम में बैठक बुलाई गई, जिसमें पक्ष विपक्ष के पार्षदों के बीच बहस होती रही। गहराते जल संकट का असर शनिवार को नगर निगम परिषद की बैठक में देखने को मिला। इस दौरान पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत, टैंकर नहीं मिलना, बोरिंग का प्रबंधन होने की पानी का अव्यय और अफसरों की साठगांठ से क्षेत्र में हो रहे निर्माण को लेकर अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। तो वहीं आसंदी पर बैठे सभापति राकेश माहौर का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे शर्म आती है ऐसे अफसरों पर जो आसंदी से निर्देश मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते, महापौर तक ही नहीं सुने। दरअसल मामला वार्ड 46 में करीब 12 पैनल बॉक्स से जुड़ा हुआ है, जिसका भर्जी भुगतान करीब 59,000 रुपये का हो गया है, जबकि क्षेत्रीय पार्षद घनश्याम गुप्ता ने सबूत सहित शिकायत की थी, जिस पर आसंदी से सभापति ने पिछली बैठक में अफसरों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने आसंदी से कार्यवाही करने के पुनः निर्देश आयुक्त विनोद को दिए। शहर में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए पार्षदों ने एक मत से स्वर्ण रेखा और मुरार नदी पर बने बांधों को पुनः जिंदा करने के लिए अपनी मौलिक निधि से पैसे देने की बात कही। भाभी की बहन का होमगार्ड में प्लाटून कमांडर पर चयन होने पर देवर उससे शादी करने की जिद पर अड़ गया। मना करने पर भाभी की छोटी बहन को जबरन अपने साथ ले जाने लगा। रोकने पर ससुर की मारपीट कर दी, फिर जेब से ब्लेड निकाल कर खुद के गले और चेहरे पर मार कर हजिया थाने पहुंच गया। पीछे से ससुर भी थाने पहुंच गया। पुलिस को माजरा समझ में आया तो देवर पर FIR दर्ज की। पुलिस के मुताबिक गादईपुरा निवासी रमाकांत तिवारी ने बड़ी बेटी रानी की शादी मोह भिंड में की थी। उनकी दो और बेटियां हैं। मझली बेटी पूजा होमगार्ड से प्लांटू कमांडर बन गई है, वर्तमान में जबलपुर में ट्रेनिंग कर रही है। छोटी बेटी आरती का भी पुलिस में महिला आरक्षक के पद पर चयन हो गया है। रानी का देवर रवि त्यागी पूजा से शादी करने की जिद पर अड़ा था। शुक्रवार को शादी का प्रस्ताव लेकर भाई की ससुराल पहुंच गया। शादी के लिए कहा तो पूजा के पिता ने मना कर दिया। इस पर वह भड़क गया, आरती का हाथ पकड़कर जबरन उसे ले जाने लगा। रमाकांत ने विरोध किया तो उसकी मारपीट कर दी, फिर उन्हें धमकाते हुए जेब से ब्लेड निकाला और खुद पर वार कर लिया। वहां से दौड़ता हुआ हजीरा थाने पहुंचा और रमाकांत पर मारपीट के आरोप लगाते हुए FIR करानी चाहिए, लेकिन पीछे से रमाकांत भी पहुंच गए। पुलिस को पूरी घटना बताई। इस पर रवि के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया।
शहर में नशे की तस्करी करने वाली महिला तस्कर लवली के एक गुर्ग को क्राइम ब्रांच की टीम ने दबोच लिया, जिससे 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 लाख बताई जाती है। पुलिस ने महिला तस्कर के ठिकानों पर भी दबिश डाली, लेकिन गुर्गे के पकड़े जाने की खबर मिलते ही वह फरार हो गई। क्राइम ब्रांच TI दिलीप यादव ने बताया, घोसपुरा निवासी नीरज जाटव को गिरफ्तार किया है। नीरज हजीरा इलाके की नशे की तस्करी करने वाली लवली के लिए काम कर रहा था। पूछताछ में नीरज ने बताया कि लवली ने उसे इटावा और मैनपुरी में कुछ ठिकाने बता रखे थे, जहां से सस्ते दामों में स्मैक खरीद कर लाता था और स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर शहर में युवाओं को सप्लाई करता है। इससे होने वाले मुनाफे का कुछ पैसा लवली को पहुंचता और कुछ अपने पास रखता। लवली ने उसे जैसे ही कई और लोगों को इस नशे के कारोबार में जोड़ रखा है। पुलिस उन लोगों को भी पता कर रही है। लवली की शादी इटावा में हुई थी, लेकिन ससुराल में अनबन होने पर मायके आ गई थी। यहाँ विनोद पटेल के साथ रहने लगी। विनोद भी नशे का सप्लायर है। वह वर्तमान में NDPS मामले में जेल में है। ग्वालियर शहर के लोगों ने पत्रिका के काला कानून की जमकर तारीफ की। पत्रिका आयोजित टॉक शो के दौरान शहर भर के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी ने पत्रिका के जमकर सराहना की। जनता अपनी बात सरकार के सामने सीधे नहीं रख सकती, इसलिए जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, जिससे वह सरकार और जनता के बीच की दूरी को पाट दें। लेकिन 14 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश सरकार को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज पर ताला लगाने की जरूरत पड़ी? सदन में अगर विधायक सवाल ही नहीं करेंगे तो क्या वे सिर्फ वेतन लेने के लिए सदन में रहेंगे? लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनकी आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि की जुबान पर सेंसरशिप के लिए काला कानून बना दिया गया है। वो तो भला हो पत्रिका का, जिसने बिना किसी डर के निष्पक्ष और बुलंद आवाज उठाई, जिसके बाद आखिरकार सरकार झुकी और काला कानून वापस लेना पड़ा। कुछ इसी तरह के विचार शहर के प्रबुद्ध जनों ने शनिवार को पत्रिका कार्यालय में आयोजित टॉक शो में व्यक्त किए। प्रशासन की ओर से विगत 3 माह से डायवर्सन टैक्स के नोटिस और वसूली की जबरिया कार्रवाई के विरोध में शनिवार को मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से एक ज्ञापन संभाग आयुक्त BM शर्मा को सौंपा गया। चैम्बर की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य के लिए कर देना बहुत आवश्यक है, लेकिन वह विधि समस्त होना चाहिए। अवैधानिक रूप से और भय फैला कर कहीं किसी भी प्रकार से कर वसूला जाना तो शासन के लिए उचित है, और ऐसी ही कार्यवाही शासन के प्रति नाराजगी बढ़ाती है। चैम्बर ने मांग की है कि डायवर्शन के मुद्दे को अति संवेदनशील मानते हुए तत्काल प्रभाव में उपरोक्त अनुसार कार्रवाई की जाए। चैम्बर पदाधिकारियों ने चर्चा उपरांत संभाग आयुक्त BM शर्मा ने कहा कि मेरे पास भी इस संबंध में कुछ अपीलें आई हैं, जिन्हें मैंने देखा और उन पर कुछ अपीलों में प्रशासनिक कार्रवाई सही की। मैं इस संबंध में प्रशासन को लिखूंगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में परीक्षकों की कमी बाधक बन रही है। एक सप्ताह का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक 10% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं हो पाया है, जबकि 7 अप्रैल से दूसरे चरण का मूल्यांकन शुरू होना है। विभिन्न विषयों में भिंड जिले के एकमात्र मूल्यांकन केंद्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में 2 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं आ चुकी हैं। इनमें हायर सेकेंडरी की 69,035 तथा हाई स्कूल की 13,98,059 उत्तर पुस्तिकाएं हैं। द्वितीय चरण 7 अप्रैल से शुरू होने से पहले करीब 50,000 उत्तर पुस्तिकाएं और आने की संभावना है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के चलते परीक्षकों की कमी मूल्यांकन कार्य में गति बाधक बनी हुई है। एक सप्ताह के बाद भी अभी तक 10% की मूल्यांकन कार्य नहीं हो पाया है। उक्त मूल्यांकन कार्य के लिए कम से कम 450 से लेकर 500 परीक्षकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 162 परीक्षक ही उपलब्ध हो पाए हैं। मगर 30 मार्च तक बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद मूल्यांकन कार्य में तेजी आने की संभावना है। केंद्र पर परीक्षकों को पेयजल तथा प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल की व्यवस्था की गई। इस बोर्ड की ओर से मूल्यांकन में गलती पाए जाने पर परीक्षक के मानदेय में से 100 रुपए की कटौती की जाएगी। भिंड शहर की 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां अब जल्द ही नियमित घोषित कर दी जाएंगी, तथा सरकार द्वारा नगर पालिका के सहयोग से इन कॉलोनियों में
कॉलोनाइजरों और स्थानीय रहवासियों से आंशिक धनराशि लेकर सड़क, बिजली, पेयजल आदि बुनियादी सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख अभियंता प्रभाकांत कटारे ने हाल ही में जिलाधीश सहित नपा के सीएमओ को मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 1968 के प्रावधानुसार सभी अवैध कॉलोनियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर नियमित करने के निर्देश दिए हैं। शहर में 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष प्रदेश भर की सारी अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और वहां के रहवासियों की मुश्किलों को आसान करने की दृष्टि से दिसंबर 2016 के पूर्व काटी गई सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत उन सभी कॉलोनियों को वैध किया जाना था जिनमें 10% बसाहट है। नियमित की जाने वाली कॉलोनियों में 70% रहवासियों के निम्न आय वर्ग के होने पर विकास व्यय की 20% राशि रहवासियों से वसूलने व शेष 80% राशि नगरीय निकाय तथा सरकार को वहन करने की व्यवस्था है। भिंड जिले में कुल 11 नगरीय निकायों में सबसे ज़्यादा तकरीबन 150 अवैध कॉलोनियाँ अकेले भिंड शहर में हैं। इनमें से लगभग 40 को तो नगर पालिका ने स्वयं चिन्हित किया हुआ है। कई अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनी को वैध कराने के पहले ही नगर पालिका से साठगांठ करके करोड़ों रुपए की सीसी सड़कें व नालियों का निर्माण करवा लिया गया है। अटेर व ग्वालियर रोड क्षेत्र की कई कॉलोनियां इसका उदाहरण है। अम्बा थाना क्षेत्र के रूर वरवाई गाँव में 6 दिन में लड़की के अपहरण की तीसरी वारदात होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और एडिशनल एसपी सीएसपी सहित आधा दर्जन पुलिस कर्मचारियों ने पत्थर पड़े। वहीं सीएसपी और एसपी से भीड़ ने झूमा झटकी की कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। पथराव में एएसपी सहित 3 वाहनों के कांच फोड़ दिए गए और 1 वाहन को पलट लिया। पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और आरोपियों को लेकर अम्बा थाने पहुंची। वहां जिले भर का फोर्स एकत्रित हुआ और भारी मात्रा में बरवारी गांव पहुंचा। पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई। पुलिस आधा दर्जन लोगों को गांव से उठाकर ले गई है। 6 दिन पूर्व रूअर गांव से 7 साल की लक्ष्मी पुत्री भूपेंद्र सिंह तोमर को 2 बाइक सवार उठाकर ले गए। उसका पुलिस अभी तक पता नहीं कर सकी है। 2 दिन में फिर से 2 वारदात हो गई है। 23 मार्च को दोपहर 3:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने राधा पुत्री पप्पू तोमर को बरवाई की पुलिया के पास से उठाने की कोशिश की। लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़ पड़े, इसलिए बदमाश भाग गए। शनिवार को सुबह 7 बजे फिर से घटना की पुनरावृत्ति हुई। वंदना पुत्री रट्टी तोमर निवासी बरवाई स्कूल जा रही थी, तभी उसको इसी स्थान से बरवाई की पुलिया से उठाने का प्रयास किया गया। आरोपी मुंह बांधकर मोटरसाइकिल से आए थे और वंदना को मोटरसाइकिल पर बैठाने लगे। तभी वह चिल्लाई तो आसपास के लोग दौड़ पड़े। आरोपियों ने भागने का प्रयास किया लेकिन चारों तरफ से घेर कर उनको पकड़ लिया। आरोपियों के नाम बबलू पुत्र शिव नारायण, सुग्रीव पुत्र रघुपुर निवासी बाग का पुरा मौजा रूअर बताया गया है। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर हनुमान जी मंदिर के अंदर बंद कर दिया। सुबह 9 बजे अजय पुत्र बबलू जाटव पहुंचा और बोला, विधायक सत्य प्रकाश सखवार मेरे फूफा हैं, मैं अभी छुड़वाता हूं। इसी पर ग्रामीण और भड़क गए। सूचना मिलने पर अम्बा थाने से पुलिस पहुंच गई लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब तक विधायक और एसपी नहीं आ जाते तब तक आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एएसपी अनुराग सुजानिया पहुंचे लेकिन ग्रामीणों ने उनकी नहीं सुनी। एएसपी ने कुछ देर ग्रामीणों से बातचीत कर आरोपियों को मंदिर से निकालकर गाड़ी में बैठाया और थाने ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने गाड़ी घेर ली और पथराव शुरू कर दिया। एएसपी व सीएसपी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। नवरात्र की सप्तमी को जिले के प्रमुख देवी मंदिरों पर माता की जात भरी। अंचल के प्रसिद्ध देवी मंदिर माता बसैया पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और निजा झंडी, नारियल और प्रसाद अर्पित करने के साथ ही विशेष पूजा पाठ किए। शहर से सटे बड़ोखर माता मंदिर पर भी महिलाओं ने विशेष पूजा, आरती और प्रसाद वितरण किए। माता बसैया पर रामनवमी को विशेष मेला भरने की भी तैयारी की हुई। नवरात्र में वैसे तो हर देवी मंदिर पर पहले दिन से ही खास पूजा अर्चना हो रही है लेकिन अष्टमी के दिन पहले से ही मंदिरों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। वहीं बड़ी संख्या में शहर के श्रद्धालु माता बसैया पर एक दिन पदयात्रा करके पहुंचे। कलरस के पास ग्राम
लाभाकरण निवासी राम सिंह ने बताया कि माता बसैया हर मनोकामना पूरी करती हैं। वो संभालने के बाद से ही हर पूजा अर्चना के लिए नवरात्र में यहाँ आते हैं। राजस्थान में धौलपुर के पास अब्दुलपुर निवासी देवी राम का कहना है कि जब मनुष्य कष्ट में होता है तो माता की शरण में आता है। यहाँ आने से लोगों का भला होता है, इसी विश्वास के कारण हजारों की संख्या में नवरात्र के दिनों में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। माता बसैया पर दिल्ली हरियाणा के अलावा अंचल के देश भर में रह रहे लोग नवरात्र के दौरान यहाँ आते हैं। बाड़ोखर माता मंदिर पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कन्या लांगुरा भोज और अन्नकूट वितरण भी किया गया। क्षेत्र की कुटरावली पंचायत के रामलखन का पूरा गांव में शनिवार को दोपहर आग लग गई। किसी एक घर से उठी आग ने आसपास की 9 रिहायशी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इन झोपड़ियों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में एक भैंस की मौत हो गई, वहीं एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में लगभग 5,50,000 रुपए के लगभग नुकसान होने का अनुमान मौके पर पहुंचे राजस्व अमले ने लगाया है। जानकारी के मुताबिक रामलखनपुरा ग्राम के ग्रामीण दोपहर के समय खेतों पर काम करने के लिए गए थे। इसी बीच किसी चूल्हे से चिंगारी ने एक झोपड़ी को आग के हवाले किया। इसके बाद धीरे धीरे आस पड़ोस की झोपड़ियों की चपेट में ले लिया। आग लगते ही ग्रामीण खेतों से भागे और आग को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि ग्रामीण नुकसान को नहीं बचा सके। सूचना मिलने पर कैलारस से फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई, जिस पर आग पर काबू पाया जा सके। आगजनी के दौरान ग्रामीणों का पूरा घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। उधर आगजनी की खबर लगते ही राजस्व अमला भी क्षति का आकलन करने के लिए पहुंच गया, जहां पंचनामा तैयार कर लगभग 5.5 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। भजन कीर्तन में शामिल होकर वापस आ रहे श्रद्धालुओं से भरी एक मेटाडोर का टायर फट गया, जिससे वह पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। घटना इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा गांव के पास की है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए इंद्रगढ़ भेजा, वहीं मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ब्रजेश पुत्र उत्तम बंसकार निवासी बिहोड़ा, नारायण दास पुत्र हरदाल बंसकार निवासी दिवगुआ और तुला नाम किशन दास वंशकार नारायण पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम तालपुरा शनिवार को भजन कीर्तन में शामिल होने के लिए गए हुए थे। जब ये लोग वापस एक मेटाडोर में सवार होकर आ रहे थे, तभी लक्ष्मणपुरा के पास मेटाडोर का टायर फट गया और वह पलट गई। वाहन में करीब 15 लोग बैठे हुए थे, लेकिन इनमें से ब्रजेश शंकर की मौके पर मौत हो गई और नारायण दास, तुलाराम और नारायण घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, वहीं घायलों को इंद्रगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया है। चैत नवरात्र महोत्सव में शक्ति की प्रदाता देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना में भक्तगण लीन हो गए हैं। जिले भर के देवी मंदिरों पर भक्तों के मेले लग रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रख कर पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं साधना आराधना करने वालों ने ज्वारे भी बोए हैं। नवरात्र में कोई दुर्गा सप्तती का पाठ कर रहा है तो कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है। चैत्र नवरात्र महोत्सव के तहत शनिवार को सप्तमी के अवसर पर खैरी वाली माता आयोजित मेले में खैरी वाली माता के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां के दर्शन किए। उल्लेखनीय है कि एक दिन में 3 रूप धारण करने के लिए प्रसिद्ध शहर में 5 किलोमीटर की दूरी खैरी वाली माता पर सप्तमी के दिन भक्तों ने पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही प्रारंभ हो गया था, जो कि देर रात तक चलता रहा। इस दौरान वहां पहुंचने के लिए निशुल्क वाहन भी भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए गए। मेले में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। नवरात्र महोत्सव के दौरान शनिवार को माँ बंगलामुखी एवं माँ धूमावती के दर्शनों के लिए पीताम्बरा पीठ पर भारी भीड़ रही। शनिवार को आमजन के अलावा नेताओं और अधिकारियों ने मां के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका और पूजा अर्चना की। शनिवार को सुबह से ही मंदिर पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी थी। यही स्थिति शाम के समय रही। लोगों को माई के दर्शनों के लिए कतार में लगकर लंबा इंतजार करना पड़ा। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शहर के पाली रोड पर हाईवे पार कर सब्जी लेने जा रहे एक वृद्ध को ट्रक ने कुचल दिया। गंभीर हालत में वृद्ध को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद कोटा के लिए रेफर कर दिया गया है।
यह हादसा शनिवार सुबह सलापुरा नहर के पास घटित हुआ। कोतवाली पुलिस के मुताबिक शहर के वार्ड क्रमांक 10 पानी की टंकी के पास निवासी राम नारायण गुप्ता 73 वर्ष शनिवार को घर से सब्जी खरीदने के लिए आए थे। यहां सलापुरा नहर के पास हाईवे को पार करते समय उनको एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मारते हुए कुचल दिया, जिससे राम नारायण गुप्ता घायल हो गए। गंभीर हालत में उनको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को श्योपुर बड़ौदा हाईवे से गुजरने वाले लोग तब सकते में आ गए, जब श्योपुर की तरफ आ रहे एक स्कूल वाहन में अचानक आग भड़क उठी। स्कूल वाहन से उठती आग की लपटों को देखकर यहां लोगों की भीड़ लग गई। वहीं कई वाहन भी रुक गए, जबकि चालक को आग से घिरे वाहन से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। आग को श्योपुर से बुलाई गई दमकल गाड़ी के द्वारा बुझाई गई, मगर स्कूल वाहन पूरी तरह जल गया। गलीमत यह रही कि स्कूल वाहन खाली था और उसमें कोई बच्चे नहीं बैठे थे, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यह हादसा गुर्जर गावड़ी के पास लगे पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ। स्कूल वाहन चालक के भाग जाने के कारण पुलिस को अभी तक पता नहीं चल सका है कि स्कूल वाहन किस स्कूल का था। कोतवाली पुलिस ने स्कूल वाहन को जब्त करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल शनिवार सुबह 10 बजे तक शिवपुर बड़ौदा हाईवे पर सब कुछ सामान्य था, तभी शिवपुर तरफ से आ रहे स्कूल वाहन में गुर्जर गावड़ी निकलने के बाद स्थित पेट्रोल पंप के नज़दीक अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें में स्कूल वाहन को इतनी तेजी से अपनी लपटों में घेरा कि स्कूल वाहन को चला रहा चालक भी कुछ समय नहीं पाया और स्कूल वाहन चालक को अपनी जान बचाने के लिए वाहन को एक तरफ रोक कर कूदना पड़ा। शहर में हर दिन गहराते पेयजल संकट से परेशान जनता सिंध के पानी का इंतजार कर रही है और उसी पानी के लिए शनिवार को ही नगरपालिका परिषद की बैठक हाई वोल्टेज ड्रामे में सिमट कर रह गई। परिषद की बैठक में पहली बार दोषियान के डायरेक्टर रक्षित दोषी व GM महेश मिश्रा न केवल शामिल हुए, बल्कि उन्होंने खुद को पाक साफ बताकर नपा को भी दोषी ठहराने का तथ्यात्मक प्रयास किया। भाजपा के पार्षद दोषियान के साथ खड़े हुए तो कांग्रेस का कंपनी के विरुद्ध FIR कराने का प्लान धरा रहा। हंगामे के बीच नपा उपाध्यक्ष ने भविष्य की चिंता बताते हुए पूछा कि जब हाइड्रेट बंद हो जाएंगे तो क्या परिवहन के लिए आप पानी दे पाओगे। लगभग 1.5 घंटे चली बैठक आश्वासन दावे और आंकड़ों के बीच उलझ कर रह गई, यानी इतना सब हुआ लेकिन यह तक तय नहीं हो पाया कि पानी नल की टंकियों से दूर टैंकर परिवहन के लिए बाईपास तक मिल पाएगा या नहीं। जिले के बदरबास कस्बे में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से शनिवार दोपहर एक अज्ञात ठग दुकानदार को बातों में लगाकर वहां से एक सोने का पेंडल ठग कर ले गया। हालांकि कुछ देर बाद CCTV फुटेज लेकर दुकानदार थाने जा पहुंचा। पुलिस ने पूरी घटना सुनने के बाद आवेदन लेकर पीड़ित को चलता कर दिया। जानकारी के मुताबिक कस्बे में बस स्टैंड के पास संदीप पुत्र जगदीश सोने की ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे वह दुकान पर बैठा था, इसी दौरान एक अज्ञात युवक आया और उससे मंगलसूत्र के पेंडल दिखाने की बात कही। इसी बीच युवक गुपचुप तरीके से एक 18 ग्राम वजनी पेंडल जेब में रख कर चलता बना। इसके बाद संदीप ने जब माल मिलाया तो एक पेंडल गायब था। चोरी गया पेंडल करीब 57,000 कीमत का बताया जा रहा है। घटना के बाद CCTV फुटेज लेकर पीड़ित पुलिस थाने गया, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं की और आवेदन लेकर उसे चलता कर दिया। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार के फेसबुक पर ठग का फोटो डालते हुए उसे पकड़ने वाले युवक को खुद की तरफ से 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। कल फिर मिलेंगे इस चैनल पर, इसी समय तब तक के नमस्कार।